हे गाइस, तो ये हमारा घर है और ये हम है। तो हम निकल लिए अपने किसी खास इंसान से मिलने। वो हमारा बहुत ज्यादा ही खास है। किससे मिलने जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग के लास्ट तक पता चल जाएगा। तो इतने खास इंसान से मिलने के लिए हम भी बेताब है और शायद आप भी बेताब हो गए। वो शायद क्या ही बताऊं, बस मिलने जा रहे हैं। पहुंचो जल्दी से। दुनिया चलाती है सीधे गाड़ी और हम चला रहे हैं उल्टी गाड़ी। आप देख सकते हो हम बैक गाड़ी चला रहे हैं। हमारे बाबू को बैक ड्राइविंग ही आती है। हमारे बाबू बैक ड्राइविंग ही चलाते हैं। नई नई घड़ी पहन के आए और देखा घड़ी में पन्नी नहीं हटाई। पन्नी दिखा ना, ये देखो, ये अभी पन्नी हटाई है। शर्म आनी चाहिए तुमको, नया कुछ मिल गया तो तुमने पन्नी नहीं हटाई है, है? मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ, कोई देखता होता मेरी बेइज्जती हो जाए। ये वो ही है अंजलि के हस्बैंड। ऐसा कोई नहीं कहता, सब अंजलि सिब्बू कहते हैं। नहीं नहीं, सिब्बू के बिना अंजलि अधूरी और अंजलि के बिना सिब्बू अधूरे। सिब्बू तो पूरा था, बताओ। सिब्बू रही था, अंजलि के बिना सिब्बू अधूरा और सिब्बू के बिना अंजलि अधूरी। और इतना बढ़िया मार्केट है, इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। बाबू यार प्लीज रोक दो ना गाड़ी 2 मिनट के लिए। यहाँ नहीं रुक पाएगी, अब मुंह में आवाज भी नहीं रहेगी तुम्हारे। बाबू बस कुछ भी दिला दो यार। एक पर्स था, बाय गॉड इतना सुंदर पर्स था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक देते तो झट से ले आती, चाहे वो कितने नहीं सस्ता होता तो वो ले आती यार। इतनी बढ़िया बाबू यार, चूड़ी वूड़ी, इतनी बढ़िया मार्केट है। रोक दो ना, देख लो जे हमारे पति देव कहते पति पत्नी से डरता है। डरते कोई इंसान अगर कहीं जाना चाहे तो क्या करे? यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा कि जाना कहाँ। कोई पढ़ के बता दो भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लिखाई क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कोई बता सकता है? इस बोर्ड को देख के हम कहाँ जा रहे थे, जल्दी से बताओ। हम गोवा आ चुके हैं, तो ये हमारा गोवा है। देखो आप गोवा के नजारे देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने बताया था हम कहाँ जाते हैं, गोवा है। गोवा और कहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? अब गोवा में आपको बहुत प्यारी प्यारी बंदी मिलेंगी, कैसा लगेगा अब आपको? आगरा है। कितना सुंदर लग रहा है ना, हरियाली हरियाली, बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे। बाबू यार यहाँ घर होना चाहिए, मैं यहाँ एक घर बनाना चाहती हूँ इस जगह। आर्मी एरिया है, बहुत मार पड़ेगी। आर्मी एरिया है, बहुत मार पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे झोपड़ी लगा के बैठ जाएंगे। आप बताओ कहाँ गए हो? फतेहपुर सीकरी। आप भी फतेहपुर सीकरी हो इस समय? इस टाइम। अरे अबे कहाँ पे, तो नेक दूर है। नहीं ये फतेहपुर सीकरी। अच्छा ये टोल दीवा टोल फतेहपुर सीकरी पड़ जाता है। अच्छा तो अपन वो ज्यादा दूर थोड़ा है, वो अपन फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद आगरा हम जी आगे फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आसपास के ही है। चलो ठीक है भाई, ओके। कुल्हड़ वाली चाय और हमारे घर की पूड़ियाँ और हमारे पति देव। खाना हो गया शुरू, बच्चे खा रहे हैं सब्जी पूड़ी, हम भी खा रहे हैं भाई, मजा ही आ गया भाई। रास्ते में आओ तो पता नहीं क्यों भूख लगती है बहुत ज्यादा, इतनी भूख लगती है बता नहीं सकती। घर में मुझे इतनी लगे तो मोटी हो जाऊं। भूखी हो तुम? और फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके, मात्र जाएगा 100 किलोमीटर चल पाए घर से, और ऐसे भूख भी लगेगी, अभी नींद आएगी, अब सोएगी। रास्ते मुझे लगती है, इसलिए मुझे 24 घंटे घुमाते रहा करो पूरे 12 महीने, तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो मोटी करना नहीं मुझे। हम यहाँ पे उतरे, यहाँ पे हम गाड़ी में चलते चलते हो गए थे बहुत ज्यादा बोर। और सॉरी यार, हम माइक लाना भूल गए, माइक ला नहीं पाए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ गाड़ी वाड़ी आया तो उसको माफ करना। हम यहाँ पे निकल दिए पति देव, ये हम सब लोग थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह शूट करते हुए और जा रहे हैं अभी। वो तो लास्ट में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अरे मुझे क्या निकल गया। चलो चलो, बहुत देर हो गई, बोलो बाय बाय करोगे? चलो 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 लेट हो चलो 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 जल्दी 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 चलो बोलता रहूं मैं। भगवान का है भगवान, रात के 8 बज गए, 8:30 हो गए होंगे। हेला ह्यूमन नहीं तो प्यार जल जाएगा बहुत। बाबू तो ये कौन पीता है चाय के साथ, गरम के साथ ठंडा कौन पीता है? मैं और लगी हो सद गरम हो जाएगी, पता चल जाएगी तुमको। आली हीरो बन रहे हो, देख रही हो? तो देखो हमारी चाय आ गई, कुल्हड़ वाली चाय आ गई है। और अब हम कुछ क्या कचौड़ी बोल रहे थे ना, हाँ अपनी पूरी और निकाल लो, वो भी खा लेंगे। हाँ पूरी खा लेंगे, कुछ भी। हाँ। खाना वेस्ट हम नहीं करते बिल्कुल भी, बिल्कुल हमारा खाना वेस्ट नहीं होता, हम खाना खाएंगे। अपना लेके आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं, क्या हो गया, वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे मेरे छाले हो रखे हैं। बाहर का कुछ खा नहीं सकती हूँ, खाती हूँ थोड़ा बहुत खाती हूँ, पर बहुत दर्द, मतलब जलन होती है, दर्द होता है, नहीं कह सकते।
8 बज गए, अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, शायद 10 से 11 बज जाएंगे पहुंचने में। वहां जाके आपको पता चल जाएगा हम किन से मिलने जा रहे हैं, किन से मिलने के लिए हम इतना बेताब है, वहां जाके आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग के लास्ट तक आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल हमारे साथ कुल्लड़ वाली चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए, इतनी बढ़िया सी चाय है, उसके साथ हम खाएंगे पूड़ियां जो हम घर से लेके आए थे। चले ये देखो दाल वाली कचौड़ी है, देखो बहुत अच्छी है, इसमें मिर्च भी। मेरे बाबू जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इनको ब्लॉग में घुसने की आदत नहीं। अंजलि अंजलि रामू चाय फेल जाएगी बाबू, खाओ सही, काफी अच्छा है। बस बस इतना ही, खा के देखो ना, काफी अच्छा। तो देखो कचौड़ी आई है, पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी, छाले हो रहे हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं। भैया कैसी है कचौड़ी, कचौड़ी कैसी है, कहाँ रखूं, ये हमारी कचौड़ियां रख गई हैं, मैं थोड़ी सी खा के हाथ से देख रही हूँ। यम्मी तो है, बस मेरी चीज वो ही है ना, छाले की वजह से कुछ भी नहीं खा सकती भाई, कुछ भी नहीं, सॉरी, छाले की वजह से कुछ भी नहीं खा सकते भाई, कुछ भी नहीं खा सकते, बहुत मिर्ची है। तो अब जल्दी से पहुंच के पता करते हैं क्या ही हो, क्या कहां जा रहे हैं, व्लॉग में बने रहो। तो ये आप देखो यहाँ का नजारा देख के आपको पता चल रहा होगा हम कहां आ गए, हम आ गए रिंगस पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पर, यह झूला लगा हुआ है वहां, मेला वेला कुछ लगा हुआ है, यहाँ आके जो सुकून जो शांति मिलती है ना भाई, क्या ही बताए, कौन सा सुकून मिलता है मैं खुद नहीं जानती हूँ। जगह बाबा के निशान मिलेंगे आपको, रिंगस पे आते ही शांति की अनुभूति होने लगती है एकदम, ये लगता है कि कहाँ जन्नत में आ गए, कहते हैं ना स्वर्ग है जमीन पर, स्वर्ग है भाई, खाटू बाबा आ जाओ यहाँ मिल जाएगा स्वर्ग आप लोग को। कितना सुंदर लग रहा है नजारा, रिंगस मेरे श्याम बाबा यही कही होंगे, जय बोलो राधा रानी की जय। तो अब हमारे अंदर एनर्जी आ चुकी है भरपूर, क्योंकि हम भरपूर आ चुकी है रिंगस पे, आ गई हमारी एनर्जी हो जाती है डबल ट्रबल, पता नहीं कौन सा यहाँ पे क्या बोलते हैं बूस्टिंग एनर्जी लगी हुई है यहाँ, ये रिंगस पे आती है एक एनर्जी बूस्टिंग बूस्टर लगा हुआ है यहाँ घुसते ही। तो बहुत ही अच्छा लगता है, आती खुशी आ जाती है चेहरे पे, दिल खुश हो जाता है। तो हम जिनसे मिलने आए वो हमारे श्याम बाबा, और कौन हो सकता है हमारे लिए इतना खास भाई, हमारे श्याम बाबा है, हमारे जो कुछ है सब कुछ वही है इतने खास। तो अभी हम तो जा रहे रात में, देखो कितने बजे पहुंचे, टाइम कितना हो रहा, लगभग हो गया 9 बजे, में 10 मिनट कम, तो हम सही आ गए फिर भी है, 1 बजे घर से चले थे है ना, 2 बजे घर से चले थे और 9 बजे तक हम यहाँ पे आ गए। होटल वोटल लेंगे, 10 बज जाएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, फिर सुबह जाएंगे अपने बाबा के दर्शन करने। और अगर मंदिर को अब बताते पूरी रात खुलता है ना मंदिर, तब भी सुबह ही करेंगे ना, फिर भी हाँ देखो सुबह ही करेंगे, लेकिन अगर बाबा के पास होटल मिल गया तो मैं अभी करूंगी बाबू। तुम कभी कर लेना, हमने पिछली बार भी तुमने अभी किए थे, मैंने किए थे ना पिछली बार हम आए थे, कब आए थे बाबू, फागुन में, यही मार्च में आए थे ना, तो मार्च में फागुन में आए थे हम, तो मैं क्या बोलूं मैं बाबू, मैंने बोला आप रात यहीं रुको, आप होटल में रुको, बच्चे देखो मैं जा रही दर्शन करने, लेकिन सही बता रहे हम दर्शन करने निकले थे 12 बजे रात में और हमारे दर्शन हुए सुबह के 7 बजे, सुनो रात के 12 बजे दर्शन करने निकले, सुबह के 7 बजे दर्शन हुए, क्योंकि फागुन में लगता है बहुत ही बड़ा मेला। तो चलते 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 बिल्कुल बाबा के मंदिर के पास ही रुके थे, लेकिन वहां पर रेलिंग मतलब ऐसे 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 वो लगे हुए थे बांस के, वो बहुत बहुत, अब मैं डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, बांस के लगे हुए थे, चलते 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 करोड़ों की भीड़ थी भाई, 12 बजे से 7 बजे तक दर्शन किए। जब मैं लौट के आई सुबह तो बाबू कह रहे बाबू नहा धो के उठ रहे हो, मैं घर पे ही नहीं पहुंची, बाबू कह रहे दोबारा चल रही है दर्शन करने, में नहीं बस मेरे रात में हो गए, पर आरती करी थी मैंने, सुबह की आरती ली थी मैंने, ये क्या मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, बताओ कितना बड़ा सौभाग्य है। ये गए थे फिर ये आए, फिर ये गए 7 बजे दर्शन करने, फिर आए थे शायद 9-10 बजे, इनके जल्दी हो गए थे, मेरे बहुत लेट हो गए थे। तो बाबा जिसको प्यार करते हैं उसी को लेट दर्शन कहते हैं
तो भाई इतने सारे फैन मिल चुके हैं पति देव के, मेरे एक भी फैन नहीं मिले, इनके फैन मिले हैं, फोटो खिंचाई जा रही है, पति देव के फैन मिल गए इतने सारे, क्या ही बात है। भैया देखो फैन मिले हैं इतने सारे, देखो भैया इतने फैन मिले, देखो सब लोग गाड़ी का देख के सब मिलने आए इतने दूर से, सारे पति देव के फैन है, मेरा एक भी कोई फैन नहीं मिला, सारे पति देव के मिले। इसका मतलब 2 मिलियन होने से फायदा नहीं है, 2 लाख होने से फायदा है भाई। 2 मिलियन वाले के फैन न मिले, 2 लाख वाले के फैन मिल रहे हैं, क्या ही बोलो, कहाँ डूब के मरे हम भैया, हमें तो बता दो। 9:20 पे हम पहुंचे हैं तो हमें रूम मिल गया है, ये हमारा रूम है, ये रूम है, इधर वॉशरूम है, और आपको ये बाहर का नजारा दिखाते हैं, ये हम हैं, और हेलो ये हम हैं, एंड ये देखो बाहर का नजारा, यहाँ से बिल्कुल थोड़े से दूर पे क्या मतलब बिल्कुल, ये लखदातार होटल है जो कि फेमस है, आपको पता होगा लखदातार होटल पे, लखदातार पे एक भी रूम अवेलेबल नहीं था, उसके सामने इधर तो इसी के पास से मंदिर है, तो थोड़ा सा दूर है मंदिर, बिल्कुल अभी चले जाएंगे पैदल पैदल पैदल, जल्दी से नहा धो के फाइनली आ गए, बोलो जय श्री श्याम, अंजलि अंजलि। आओ चलो रोए ले अंजलि, आ जोड़ू, जय श्री श्याम। और ये मिले हैं अंजलि जी के, कौन है भाई सब्सक्राइबर होटल में खेलने के लिए, अभी बंद मिल, हम लोग बाहर लौट रहे थे तो ये मिला, और इसमें कोई भी नहीं डाल पा रहा, सब होशियार बन रहे हैं, लेकिन किसी ने इसमें रिंग नहीं डाल पाई है, बेइज्जती होने से बच गई बड़ा मजेदार गेम है भाई, गॉड तो अभी हम गेम खेल रहे हैं, ये अल्ले ये दो, और इसी के साथ होती है गुड बाय, टाटा, लाइक करो शेयर करो, टाटा।